इंद्रदेव, इंद्रदेव। इंद्रदेव, अभी यहां लौटिए, इसी क्षण। महादेव, वो मैं इतना दुस्साहस कैसे किया आपने? स्पष्ट कहा था मैंने, हिंसा का प्रयोग करा भी नहीं करेंगे आप। तब आपने किस अधिकार से राजा दिवोदास पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया? महादेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, वो मैं बस अब आपके मुख से और कुछ नहीं सुनना चाहता हूं मैं। जब मैंने राजा दिवोदास को वचन देकर अपनी इच्छा से काशी का परित्याग किया था, तब आप किस अधिकार से उन पर वार करने के लिए प्रस्तुत हो गए? आपको अपने इस दोष का भीषण दंड भुगतना ही होगा। पिताश्री का तीसरा नेत्र खुल रहा है। यदि उन्होंने अपने क्रोधाग्नि को इंद्रदेव पर केंद्रित कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। पूर्व में एक बार महादेव की क्रोधाग्नि का सामना कर भस्म होते होते बचा हूं, कि तो इस बार प्रतीत होता है मैं नहीं बच पाऊंगा। पिताश्री, कृपया करके शांत हो जाइए। शांत नहीं हो रहे हैं पिताश्री, उनका क्रोध तो और भी बढ़ता जा रहा है। मामा जी, फूफा जी, आप ही पिताश्री की क्रोधाग्नि को शांत करने में सहायता करें। इंद्रदेव, मैंने अपनी क्रोधाग्नि को रोका अवश्य है, किंतु मेरा क्रोध शांत नहीं हुआ। आपने जो किया वाक्षम्य था, सर्वथा अनुचित था। महादेव, मैं आपसे क्षमा की भीख मांगता हूं, भूलवश मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं स्वयं पर से कैसे नियंत्रण खो बैठा ये स्वयं मुझे ही ज्ञात नहीं। मुझे ज्ञात है, पिताश्री, इंद्रदेव ने जो भी किया वो क्षम्य तो नहीं, किंतु वो स्वयं पर नियंत्रण क्यों खो बैठे उसका कारण ज्ञात है मुझे। ऐसा क्या कारण हो सकता है गणेश, कि इंद्रदेव परिणाम का विचार किए बिना मेरे आदेश का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित हो गए? उनकी असुरक्षा का भाव पिताश्री। असुरक्षा? अब किस असुरक्षा की आशंका है इन्हें? पिताश्री, आपके काशी में उपस्थित ना होने के कारण किसी भी काशीवासी को मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो रही है, किंतु राजा दिवोदास के राज्य में सभी काशीवासी धर्मपरायणता के साथ सर्वथा शुद्ध जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस कारण उन सभी के पुण्यों में वृद्धि हो रही है और उनके पुण्य एकत्रित हो रहे हैं पिताश्री। और ये भी तो सर्वज्ञात है कि पुण्य करने वाले तो स्वर्ग के अधिकारी होते हैं, और जो अधिक और महान पुण्य करते हैं उनका अधिकार तो भावी इंद्र बनने का होता है। सभी काशीवासी मुक्ति की प्रतीक्षा में है पिताश्री। उनके इतने पुण्य संग्रहित हो चुके हैं कि वो स्वयं स्वर्ग पहुंचकर बिना किसी अवरोध के इंद्र होने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।
अभी तो हमारे मध्य एक ही इंद्रदेव है, किंतु अति शीघ्र अनेकों इंद्रदेव प्रस्तुत हो जाएंगे। एक ही सिंहासन के अनेकों प्रत्याशी, और तब मौलिक इंद्रदेव का कोई मूल्य नहीं रहेगा। अपने पद की गरिमा खोने का भय ही देवराज इंद्र के क्रोध का कारण बना, जो राजा देवोदास पर फूटने ही जा रहा था, क्योंकि उन्हीं के कारण अब इंद्रदेव का पद संकट में है। प्रथम पूज्य गणेश जी सर्वथा उचित कह रहे हैं महादेव। मेरी शंका ही मेरे क्रोध में परिवर्तित हो गई। इंद्रदेव, ये कैसा कृत्य व्यवहार है आपका? आप इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? क्या आपके पद और सिंहासन के अतिरिक्त और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं रहा आपके लिए? ऋषि जगेश्वर की स्थिति प्रति क्षण गंभीर होती जा रही है इंद्रदेव। यदि उन्हें शीघ्र महादेव के दर्शन प्राप्त नहीं हुए तो अपने प्राण त्याग देंगे और हम सभी ब्राह्मण हत्या के महापाप के भागीदार होंगे। हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए ताकि हम किसी प्रकार महादेव को पुनः काशी ले जाएं। और आप, आपको केवल अपने पद की चिंता है। जो हुआ सो हुआ, अब उस पर विचार करने का क्या लाभ? हमारी समस्या तो अभी भी यथावत है, कोई समाधान नहीं खोज पाए हैं हम अभी तक। मेरे पास इस समस्या का एक हल है। यदि आप त्रिदेव सहमत हो तो मैं काशी जाऊं। नहीं, नहीं। यदि मैं धृष्टता कर रहा हूं तो मुझे क्षमा कीजिए पिताश्री, किंतु हमें आपके काशी लौटने का कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा, क्योंकि काशी को आपकी आवश्यकता है, आपके भक्तों को आपकी आवश्यकता है। महर्षि जगेश्वर आपके दर्शन के लिए व्याकुल है और माँ बड़ी ही अधीरता से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं पिताश्री। मैं भी तुमसे भेंट करने के लिए अति व्याकुल हूँ माँ। यदि धर्म और कर्तव्य से ना बंधा होता तो इसी क्षण तुम्हारे पास लौटा था। सूर्यदेव, यदि मैं आपको काशी जाने की अनुमति दूं तो आप किस युक्ति का प्रयोग करेंगे? महादेव, इस समय काशी के जन साधुता और धर्म परायणता के मार्ग पर है, और यही आपके काशी लौटने में बाधक है, क्योंकि जब तक वहां सदा धर्म का पालन होता रहेगा वहां की यथास्थिति में किसी भी परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। फिर आपका क्या सुझाव है सूर्यदेव? प्रथम पूज्य गणेश जी, काशी की प्रजा कितनी भी धर्मनिष्ठ क्यों ना हो, किंतु वहां कभी भी धर्म का उल्लंघन ना हो, ऐसा कैसे संभव है? कभी ना कभी किसी ना किसी से कोई भूल तो होती होगी, बस हमें उसी भूल का संधान करना है। भूल का संधान करना होगा हमें? हाँ महादेव, उसी भूल को आधार बनाकर हम राजा देवोदास के शासन पर प्रश्न चिन्ह लगाकर उसे समाप्त कर सकते हैं। महादेव, मैं सूर्यदेव के सुझाव से सहमत हूँ। काशी में आपके भक्तों की शांति के लिए, सृष्टि के उद्धार के लिए और आपके और देवी आदि शक्ति के संयोग के लिए केवल यही एक उपाय शेष है हमारे पास। और सूर्यदेव तो त्रिकालदर्शी, यदि काशी में कोई अपने धर्म पथ से विमुख भी हुआ तो उन्हें अवश्य ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि सूर्य सृष्टि के कण कण में विद्यमान है और उनकी किरणों से तो कोई भी अछूता नहीं रहा। उचित है, किंतु स्मरण रहे, जो भूल इंद्रदेव ने की वो पुनः ना हो। महादेव, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं स्वयं परम ब्रह्म स्वरूप हूं, इसीलिए मुझसे कोई त्रुटि नहीं होगी। सूर्यदेव, अब तो सब आपके ही हाथों में है।
प्रणाम सूर्यदेव। आप यहाँ मेरे स्वामी किस अवस्था में? महादेव भी आपके वियोग में व्याकुल है माता, किंतु हम सभी देवता अथक प्रयास कर रहे हैं कि राजा दिवोदास स्थिति की गंभीरता को समझे। मैं उसी प्रयोजन से यहाँ आया हूँ। हाँ सूर्यदेव, स्वामी के भक्तों को यहाँ काशी में उनकी आवश्यकता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कितना कठोर हृदयहीन राजा दिवोदास का। ओम नमः शिवाय। जो प्रभु के भक्त को उनके दर्शन से वंचित रखे, वो राजा धर्मनिष्ठ कैसे हो सकता है? माता, ये मेरा दृढ़ निश्चय है, मैं कोई भी उपाय करूंगा किंतु अपने उद्देश्य में अवश्य सफल होऊंगा। मैं राजा दिवोदास की नगरी में अधर्म और उनके दोहरे चरित्र के स्वांग को उद्घाटित करके रहूंगा। नहीं, कहीं सूर्यदेव भी क्रोधावेश में अपना नियंत्रण ना खो बैठे। सूर्यदेव ने साधारण जनों की वेशभूषा धारण की है ताकि वो आम जनों के मध्य घुल मिल सके। कुछ नहीं छिपेगा मेरी दृष्टि से। यहाँ के कण कण के प्रत्येक क्रियाकलाप पर अपनी दृष्टि बनाकर रखूंगा मैं, और मुझे विश्वास है शीघ्र ही तुम्हारे इस धर्मोचित राज्य में कोई ना कोई त्रुटि तो अवश्य ढूंढ लूंगा। तुम बस प्रतीक्षा करो। नाथ, मुझे कुछ अप्रिय होने का आभास हो रहा है, जैसे कोई आपके साथ अनिष्ट करने का प्रयास कर रहा हो। इतने वर्षों में इस प्रकार के काले घने मेघ, उनकी भयंकर गड़गड़ाहट और आकाश में विद्युत की रेखाएं कभी नहीं देखी। एक क्षण के लिए तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे स्वयं इंद्रदेव का आगमन हुआ हो काशी में और वो हम पर आक्रमण कर रहे हों। आप चिंता क्यों करती हैं देवी सरला? देखिए, काशी नगरी को ध्यान से देखिए। स्मरण रहे, यहाँ धर्म की सत्ता है। काशी का प्रत्येक नागरिक धर्म का अनुसरण करता है और यही काशी की समृद्धि का कारण भी है। यहाँ का एक भी ब्राह्मण ऐसा नहीं है जिन्होंने वेदों का अध्ययन न किया हो। जो भी हो, जैसे भी हो, दोषहीन प्रतीत होने वाली इस काशी में कोई ना कोई खोट तो अवश्य ढूंढ लूंगा। यहां तो इनके द्वारा वेदों के उच्चारण ने इस स्थान को पवित्र कर रखा है। मुझे अधर्म की खोज के लिए अन्यत्र स्थान पर जाना होगा। ये तो दो खड़कों के आपस में टकराने की ध्वनि है। अवश्य कोई युद्ध कर रहा है काशी में। होता है सूर्यदेव ने वो भूल अवश्य ढूंढी ली। नगर के मध्य में युद्धरत हो, कोई तो अवश्य अपने धर्म पद से विमुख हो रहा है, अर्थात राजा दिवोदास के राज्य में धर्म की सत्ता और सुव्यवस्था कहीं तो अवश्य भंग हो रही है।
आज का हमारा अभ्यास यही समाप्त होता है, कल हम पुनः मिलेंगे। अरे ये दोनों योद्धा तो मात्र युद्ध कौशल का अभ्यास कर रहे थे, अर्थात यहाँ कोई अधर्म नहीं हो रहा था। क्रय विक्रय स्थल अर्थात यहाँ कपट की सर्वाधिक संभावना है। सूर्यदेव तो अब काशी की हाट की ओर जा रहे हैं, परंतु क्यों, क्या है उनकी अगली योजना? ये आपके रुद्राक्ष, दो स्वर्ण मुद्रा है। उचित है, मेरी पत्नी पूजा के लिए इनकी माला बनाने के लिए बहुत इच्छुक है। मैं अन्य सभी कार्य समाप्त कर आता हूँ, फिर इन रुद्राक्ष मनकाओं को मैं ले जाऊंगा, तभी मैं इनका भुगतान भी कर दूंगा। जी जैसा आप चाहें। जी धन्यवाद। व्यापारी जी कहिए, इन रुद्राक्ष मनकाओं का क्या मूल्य है? मैं इनका विक्रय कर चुका हूँ। तो क्या हुआ, क्या तुम्हारे ग्राहक ने इसका मूल्य चुका दिया? नहीं, किंतु वो शीघ्र ही इसे लेकर जाएंगे, मैं उन्हें अपने शब्द दे चुका हूँ। हाँ हाँ मैंने देखा, दो स्वर्ण मुद्राएं नियत की है ना तुमने, मैं तुम्हें 5 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा और मूल्य भी अभी चुकाऊंगा। रुद्राक्ष का व्यापार क्यों कर रहे हैं? रुद्राक्ष स्वर्ण से बड़ा कब और कैसे हो गया? ये सूर्यदेव क्या कर रहे हैं? पुत्र गणेश, उस व्यापारी ने मौखिक रूप से समझौता कर उन मनकाओं का विक्रय उस व्यक्ति को कर दिया है। अब सूर्यदेव अधिक धन देकर वही मनका उससे वापस प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात सूर्यदेव और स्वर्ण मुद्राएं प्रस्तुत कर उस व्यापारी को प्रलोभन दे रहे हैं। अर्थात सूर्यदेव ये प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं कि काशी नगरी में जो वास्तव में दिख रहा है वो सत्य नहीं, काशी जनों के मन में भी लोभ लालच और पाप है। मुझे क्षमा करें, मैं इनका विक्रय आपको नहीं कर सकता। यदि मैं आपसे मनकाओं के मूल्य से अधिक स्वर्ण मुद्रा लेता हूँ तो आपको छलूंगा, और यदि उस ग्राहक को दिए हुए शब्दों का मैंने मान नहीं रखा तो उसके साथ भी छल करूंगा। यहाँ महाराज देवोदास के राज्य में कोई छलावा नहीं करते। आश्चर्य, घोर आश्चर्य, इतनी सत्यता। मेरे राज्य में कोई भी वैश्य, कोई भी व्यापारी ऐसा नहीं है जो अपने आर्थिक लाभ के लिए ग्राहकों को छलता हो। सूर्यदेव अधिक धन का प्रलोभन देकर भी उस व्यापारी के मन में लालच उत्पन्न नहीं कर सके। ब्राह्मण देव, आप तो कोई यात्री प्रतीत होते हैं, कहिए मैं आपकी कैसी सहायता कर सकता हूँ? हाँ ब्राह्मण देवता, मैं एक यात्री हूँ, काशी के मार्ग में मेरा सभी धन लुट गया, कई दिवस से मैंने कोई भोजन भी नहीं किया और कुछ मोल लेने के लिए मेरे पास धन भी शेष नहीं, क्या आप मुझे अपना भोजन देकर मेरी सहायता करेंगे? किंतु मेरे पास तो मात्र इतना ही भोजन है। अंततः
मुझे ऐसा प्राणी मिल ही गया जो आवश्यकता पड़ने पर समय पर उसकी सहायता नहीं करता, और जिस राज्य में किसी की सहायता समय पर ना हो वो अधर्म पथ पर ही है। महादेव आप चिंतित ना हो, आपको पुनः काशी लौटाने का मार्ग मिल गया मुझे। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अपने वचन और कर्म का पालन करने में कोई भूल या लालच नहीं करते, वो ही सच्चे धार्मिक कहलाते हैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.